من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين कर ली तो फिर इस बात की क्या जरूरत है। तो
मुफस्सिरीन ने बयान किया है कि इसलिए कि आलम इस्लाम के ज़ुहूर से पहले कौम बनी इसराइल के ऊपर भी बहुत सारी नियमतों को अल्लाह ने नाजिल किया था, लेकिन जब उन्होंने हिर्स किया, लजाजत किया, कुफ्र इख्तियार कर लिया, तो अल्लाह ने उनके ऊपर अपना गज़ब उठाया और उनकी सारी नियमतों को छीन लिया। वो गुमराह और ज़लाल मुबीन में रह गए। तो हमें दुआ इसलिए करना चाहिए कि सिर्फ नियमतें हमें नहीं मानना चाहिए, बल्कि उन नियमतों को दवाम और उन नियमतों की बका की दुआ भी हमें करना चाहिए। सिर्फ नियमतें नहीं मानना चाहिए, बल्कि किस तरीके से नियमतों को बचाया जाए ये भी हमें खुदा से तलब करना चाहिए। अच्छा, इस नेमत से मुराद क्या है? अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें इंसान को दी हैं, आंख, नाक, कान, जबान जैसी आज़ा और जवारे जैसे इंसान को बहुत सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं। तो यहाँ पर कौन सी नेमत मुराद है? किस नेमत के हवाले से ये कहा जा रहा है कि परवरदिगार उन लोगों की राह बता जिन पर तूने अपनी नेमत नाजिल की है, तो वो कौन सी नेमत? और अगर ज़ाहरी एतबार से देखेंगे तो अल्लाह ने उन लोगों को भी आंखें दी हैं जो खुदा को नहीं मानते, उन लोगों को भी अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं जो खुदा की खुदाई का इनकार करते हैं। तो फिर ऐसे लोगों की राह की तो इंसान की दुआ करना कोई माना नहीं रखता कि उन लोगों की राह बता जिनको तूने आंख, नाक, पैर, हाथ अता किए हैं। तो यहाँ पर नेमतें कौन सी मुराद हैं जिनकी दुआ इंसान करता है? तो मुफस्सिरीन ने बयान किया है, तफसीर नूर में उस्ताद मोहसिन कराची कहते हैं कि इस नेमत से मुराद नेमते हिदायत है, यानी परवरदिगार उन लोगों की राह हमें बता दे जिनकी हिदायत तूने कर दिया है, पहले उनकी हिदायत कर दिया, जो सीधे रास्ते पर आ चुके हैं हिदायत के जरिए से उनकी राह हमें बता दे, उनके रास्ते पर हमें साबित कदम रख, है ना, ये मुराद है। तो बेहतरीन इसकी तफसीर यही है कि नेमत से मुराद नेमते हिदायत है। यहाँ सिर्फ बात हिदायत के तलब करने की नहीं है, बल्कि हिदायत के तलब करने के साथ साथ गुमराही से बचने की भी दुआ इंसान करता है। हिदायत बुलंदी है, गुमराही पस्ती है। तो इंसान के लिए सिर्फ बुलंदी हासिल करना मेयार नहीं है, बल्कि उस बुलंदी को बाकी रखना ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है कि बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, है ना। तो बुलंदी इंसान हासिल कर लेता है, तो एक मर्तबा बुलंदी हासिल कर लेना कमाल नहीं है। अगर उसे बुलंदी हासिल हो रही है तो उस बुलंदी को बाकी रखना ये इंसान का कमाल है, हमेशा उस बुलंदी पर ठहरना इंसान का कमाल है। तो नेमत हिदायत वो नेमत है कि जिसकी हमेशा इंसान को ज़रूरत है कि वो दुआ करता रहे हिदायत की और हिदायत की बका की। लिहाजा कम से कम इंसान 10 मरतबा वाजिब नमाजों में इसकी दुआ करता है कि परवरदिगार हमें उन लोगों की राह बता दे जिनकी तूने हिदायत किया है। और मग़ज़ूब कौन है? मग़ज़ूब यानी जिनके ऊपर अल्लाह ने गजब ढाया है, जिनसे खुदा नाराज है, वो कौन से लोग हैं? तो कुरान मजीद में मग़ज़ूब से मुराद अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी आयतें हैं कि हम ये पता लगा सकते हैं कि फिरौन, कारून और बल्कि पूरी पूरी कौमें, बास कौमें हैं जो मग़ज़ूब हैं, यानी अल्लाह का गज़ब उनके ऊपर ढाया गया है। पूरी उम्मतों में से जैसे कौम समूद है, पूरी कौम के ऊपर अल्लाह ने अज़ाब नाज़िल किया है। कौम आद है,
कि अल्लाह ने पूरी कौम पर अपना अजाब और अपना गजब उनके ऊपर ढाया है। तो मज़लूम से मुराद फर्दी एतबार से देखेंगे हम, एक आदमी के एतबार से देखेंगे तो फिरौन, कारून, अबू लहब जैसे लोग आते हैं, और कौम को भी देखेंगे तो कौम समूद और कौम आद का खुले अल्फाज में, सरीह अल्फाज में कुरान में जिक्र आया है। अच्छा, मखज़ूब के बाद नौबत आती है वालीन की, यानी अगर ज़ाहिरी इसका तर्जुमा देखेंगे तो वो लोग जो गुमराह हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों की राह हमें ना दिखा जो गुमराह हो चुके हैं। तो ये कौन लोग हैं? तो इसके 6-7 मौरिद उस्ताद मोहसिन खराती ने तफसीर नूर में पहली ही जिल्द में, चूँकि सूरह हम की तफसीर है तो पहली ही जिल्द में उन्होंने बयान किया है। और मैं नाम इसलिए तफसीर नूर का ले रहा हूँ कि ये बिल्कुल आवाम ही के लिए, ही कॉमन पब्लिक ही के लिए तकरीबन ये तफसीर लिखी गई है, और उन्होंने पब्लिक में जो तकारीर वगैरह किए हैं उसको जमा किया गया है। तो ये निस्बतन दूसरी तफासीर के आसान तफसीर है, ज़ाहरन उर्दू में भी इसका तर्जुमा है, अलबत्ता मैंने नहीं देखा। तो अगर कोई चाहता है तफसील से डिटेल में इस आयत की तफसीर को देखे तो तफसीर नूर उस्ताद मोहसिन खराती को वो देख सकता है। तो ज़ालिम से मुराद कौन है, मैंने इधर 3 ग्रोह नोट किए हैं, आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। तो ज़ालिम से मुराद कुरान की रोशनी में मुनाफिकीन, मुशरिकीन और वो लोग हैं जो खुदा के मुकाबले में बदगुमानी करते हैं। यानी थोड़ी सी मुसीबत आती है तो ये कहते हैं कि क्या इतनी बड़ी दुनिया में मैं ही मिला था परवरदिगार को, है ना, क्यों परवरदिगार ने मेरे ही साथ किया। यानी ये इंसान कहता है कि ये काम मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, अल्लाह ने जो किया है वो गलत किया है। तो जो खुदा की खुदाई पर खुद उंगली उठा दे तो कुरान मजीद ने उनके बारे में कहा कि ये गुमराहों में से हैं, जालिम में से हैं। दूसरा ग्रोह वो लोग हैं जो आयात इलाही का इनकार करते हैं, चाहे वो कुरान मजीद की शक्ल में हो या दीगर आसमानी किताबों की शक्ल में हो या अनबिया और अवलिया की शक्ल में हो। तो आयात इलाही का जो इनकार करते हैं उनको भी जालिम में से शुमार किया गया है कुरान की रोशनी में। तीसरा, वो अहले किताब, वो अफराद जिन्होंने दावत हक से मुंह फेर लिया। यानी क्या अहले किताब, यानी जो इंजील के मानने वाले हैं, तौरात के मानने वाले हैं, उनको भी खुदावंद आलम ने गुमराह लोगों में से करार दिया है, जालिम में से। क्यों? इसलिए कि इंजील में पैगंबर इस्लाम की पेशनगोई कर दी गई थी पहले ही, हाँ, कि आखिरी नबी आएगा उसका नाम अहमद है, वो हमारा आखिरी नबी है। तौरात में भी हजरत रसूल खुदा का जिक्र हो चुका था, लेकिन इन लोगों ने इन किताबों का मुतालिया करने के बाद, हक इनके लिए आश्कार हो जाने के बाद भी इन्होंने आखिरी पैगंबर की रिसालत का इनकार किया, तो खुदावंद आलम ने इन लोगों को भी जालिम में से करार दिया, गुमराहों में से करार दिया। बस आखिरी 1-2 नुक्ते हम बयान कर दें कि इस आयत का मुहिम तरीन पैगाम यह है कि हर इंसान एक आइडियल का मोहताज है, ताकि वो अपनी तरबियत कर सके, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधार सके, तो वो नमूने और आइडियल का मोहताज है। तो कुरान मजीद ने 4 लोगों को आइडियल करार दिया है, अनबिया को, शहदा को, सिद्दीकीन को और सालिहीन को। दूसरा, इस आयत का पैगाम यह है कि खुदा सिर्फ नेमतों को नाजिल करता है, है ना, अगर गजब नाजिल करता है तो उसकी वजह हम खुद हैं। यानी हम गुमराही इख्तियार करते हैं, हम कोताही करते हैं, तब खुदावंद आलम अपने गजब को ढाता है, वरना खुदा का असल कायदा यह है कि खुदा सिर्फ नेमतों को नाजिल करता है। और तीसरा एक दर्स ये है कि इंसान
नेमते हिदायत तलब करने के साथ साथ गुमराही से महफूज रहने की भी दुआ खुदावंद आलम से मुसलसल करते रहना चाहिए। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, खुदावंद आलम हम सबको सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि।